मैंने एक चीज देखी अर्चना जी, जब कोई एक्टर जब फिल्म करनी होती है उनको, तो 1.5-2 महीने पहले थोड़ी डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं. लेकिन जॉन ऐसे वाहिद इंसान है, ये 24/7 हमेशा 6-pack, 8-pack, मतलब थाईलैंड में जैसे वो शॉप्स नहीं होती सारी रात खुली रहती, कभी भी अवेलेबल बियर ले लो आप, ये वैसे बॉडी बिल्डर है, मतलब 24/7. सर क्या राज है इसका? आपने घर में जिम बना रखा है कि जिम में घर बना रखा है? जी घर में जिम है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं हमेशा अक्सर हमारे इंडस्ट्री में भी नहीं लेकिन बाहर भी, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो मैं हूँ. और वो हमेशा ऐसे 24/7 होना चाहिए, अपने डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए आपको जी. और कोई भी यहाँ अपने ऑडियंस में अर्चना एनीबडी कोई भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है कम्प्लीटली. मुझे मतलब, बहुत जरूरत है, टेल मी, आओ यार जॉन. इट्स इजी आपको, मतलब उसके बाद यू वोंट इवन रिक्वायर मैप ऐप बिकॉज़ यू विल हैव इट ऑल योर. दैट्स अ गुड वन. तो इसलिए कहते हैं कि घर में किचन छोटा करो, जिम बड़ा करो आप. तो जिनके घर में किचन होते हैं उनके पेट बढ़ते रहते हैं, इनके घर में जिम है इनके डॉले बढ़ रहे हैं. मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि ये रात को जब बाथरूम करने जाते हैं ना, जाते जाते 2 सेट डंबल के मार लेते हैं और वापस लेटने से पहले फिर 1 chest press मार के फिर सोते हैं. और अच्छा ये मजेदार बात एक और है कि लोग बोलते हैं ना भाई कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो आपको नॉन वेज खाना जरूरी है. ये आपके सामने जीती जागती मिसाल है, ये प्योर वेजिटेरियन है. तो भाई ये अफवाह है कि प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है जो वेज डाइट करते हैं? नहीं, इट्स एक एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है. तो मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी, जानवरों को खिलाते फिर जानवरों को मारते खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहाँ से मिलता है. लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेड़ से, राइट. तो आप वो मिडिल मैन है उसको हटा दीजिए और आप सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड जैसे हाथी है, घोड़ा है, सारे वो तो घास पोसे खाते हैं यार, वो तो वेजिटेरियन है. और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्टर्स का हमेशा ये होता है कि हम लोग सीजी करते हैं, बॉडी सीजी से बनती है, स्पेशल इफेक्ट से बनती है. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दिस इज 24/7. क्या बात है, वाओ. ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बॉडी दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अगर आप हेल्दी खाए 24/7, अगर आप डिसिप्लिन रखे, तो हर कोई अपने ऑडियंस में जॉन एब्राहम जैसी बॉडी ला सकता है. क्या बात है, अब कपिल की बारी. मैंने नीचे कुछ पहना नहीं हुआ. तो जॉन एब्राहम है, फर्क क्या है? नहीं, पर भाई ने बात बड़ी अच्छी करी कि जानवरों के ऊपर जो क्रूरिटी होती है. Yes. मैंने अभी ना 1-2 वीडियोस देखे, लोग खाली इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए एक ने किसी तो डॉग को शूट कर दिया. और फिर एक और घटना सुनी हमने साउथ में, शायद पता नहीं कहाँ पे. तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें. वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी, तो ये ना करें आप. थैंक यू. और कपिल, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जॉन एब्राहम हो या कोई भी एक्टर हो, जब भी वो कोई बोलता है तो ठीक है लोग सुनते हैं, ठीक है, लेकिन कपिल जब भी बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं. सो कपिल और मैं सोच रहा था कि जॉन भाई की हाइट इतनी है, बॉडी वॉडी अच्छी है, और वेट पता नहीं कितना होगा. मैं आज आपका वेट चेक करना चाहता हूँ भाई. मशीन मंगवाएं, प्लीज मंगवाइए जरा. मशीन आ गई भाई, आइए जरा. दिव्या जी के साथ, मेरे साथ ही करना है. दिव्या जी का भी चेक करते हैं वेट जी. तो हेलो बोल रहे हैं. हेलो बोल रहे हैं. हाँ, बस नमस्ते करके चढ़ जाइए. नमस्ते. How much? 84. मेरे से भी कम. वाओ. मेरे को लग रहा हाइट ज्यादा, वजन भी ज्यादा होगा. Also, John. अभी तू चढ़ेगा उस पे? नहीं, मैं चढ़ता हूँ एक बार. हाँ. मैं आपका भी चेक करना एक नहीं, बार मैं नहीं, आ रही. नहीं नहीं नहीं, मैं अरे मशीन तोड़ने मेरे को इंटरेस्ट नहीं है आपके वेट में. वो मेरे को सिद्धू जी कह रहे हैं तुझे पता नहीं मुझे कितनी भारी पड़ी है ये. मैं उस हिसाब से मैं अपना चेक. कौन सा सही है?
कितना है? Not bad. और नहीं है ऐसे ही मतलब. 95. कपड़े वड़े पहने ना इसलिए. कितने कितना? तो कहने का मतलब ये है. कितना? बता तो कितना? काफी है. मैं ये बोल रहा हूँ कि फिल्म में जॉन भाई बोल रहे ना कि 56 किलो का डॉला. तो 56 किलो का तो डॉला ही हो गया भाई. बाकी की बॉडी का क्या हिसाब है? ऑडिट करना है हमें. आइए भाई बैठिए प्लीज. आपने नहीं चेक करना बेटा? नहीं नहीं मेरे को नहीं कराना. हाँ दिव्या जी आपको पता है आज आप आ रही थी हमने 20 लाइटें कम करवाई हैं. क्यों? क्योंकि आपका अपना ही ग्लो इतना है. तो मेरे को ये पूछना था ये अच्छी डाइट से आता है कि जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है वैसे ही ग्लो होता है. मुझे माफ करिए प्लीज. इसकी नजर ना सबके पैसों पर ही होती है. अक्षय आता है उसके पैसों पर नजर. अब आपके पैसों नहीं पर तो नजर. फिर आपके चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं? आपके पास भी तो है. नहीं नहीं कहाँ. कितना क्यों अर्चना जी इट्स नंबर वन शो. कितना कमाते हैं? नो अरे पूछो मत. नहीं मैं तो फिर भी बड़े बड़े लोगों पर नजर रख रहा हूँ ना. टी सीरीज वाले हो गए अक्षय कुमार हो गए. ये तो कल क्या पूछ रही दिनेश को. सुन ये पांडे कितना लेता है ड्रम बजाने का. ये अगर मैं अपनी कुर्सी के आगे ड्रम रख लूं तो वो पैसे मेरी पेमेंट में ऐड हो जाएंगे. ये आप करते हो. आप हमारे म्यूजिशियन भाइयों की पेमेंट में नजर रखते हो. दिव्या जी सीरियसली आप मतलब मैं अभी अभी मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ आपकी डाइट क्या है? मतलब बड़ा ग्लो करती हैं आप. नहीं एक्चुअली मैं बिल्कुल यू नो आई एम वेजिटेरियन अगेन. अच्छा जी. और मैं घर का खाना खाती हूँ रोटी दाल सब्जी चावल. डाइटिंग कभी भी नहीं करती. इनफैक्ट जॉन ने देखा मैं सेट पे क्या क्या खाती हूँ. सब कुछ खाती है सर. अच्छा मैंने तो सुना है ये भूल जाती है खाना खाना कभी कभी. इन्होंने बंदा रखा हुआ है याद दिलाने के लिए. ये बात हाँ, सही है. हाँ, बंदी रखी हुई है. अच्छा लेकिन रखी हुई है याद दिलाने के लिए खाना खाना. हाँ, लेकिन खाती सब. तो इतना पैसा है कि गिनने में टाइम ही नहीं लगता खाते. ओहो मुझे माफ करना. हे देवी आपको खाने में इंटरेस्ट है या पैसों में? नहीं नहीं पैसों में. देखिए चलो हम एक और अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं. तो मैं यही पूछना चाहती जो आप चीजें खाती हैं तो उनको आप पेमेंट कैश में देती हैं चेक में? ये ना ये हमारी जो टीम है ये करवाते हैं मुझसे ऐसे सवाल. इनको ये जो सामने दो लोग बैठे ना एक चश्मा लगा के और एक जैकेट पहन के. आई थिंक आई रियली फील यू नो कि पैसे से कभी भी ऐसा ग्लो नहीं आ सकती. पैसे से कंफर्ट जरूर मिलते हैं पर खुशी नहीं मिलती. क्या बात. तो अगर आपको खुश रहना है और चेहरे पे ग्लो तभी आती है जब आप अंदर से खुश रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं. एंड यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब पॉजिटिव रहें खुश रहें और पूरा वर्ल्ड भी पॉजिटिविटी की तरफ जाए. तो तभी ग्लो आएगी. जब दिव्या जी लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी ना जॉन भाई तो इन्होंने कहा था कि ये भूषण जी को प्यार से गुल्लू बुलाती हैं. तो देखिए अब ये पब्लिक क्या एंजॉय करती है ऐसी बातों को. तो मेरे को ये पूछना था कि जैसे अब ये फिल्म टी सीरीज की है तो आपने पिक्चर प्रमोट करने आई हूं अपने उसी पिक्चर की बात कर रहे हैं कि जैसे अब सत्यमेव जयते टी सीरीज की फिल्म है तो आपने इसमें काम किया है या उनकी कोई फिल्म डायरेक्ट करी तो आप अपने काम का जब पैसा लेने जाती है वहां पे तो भूषण जी प्रॉपर पेमेंट करते हैं कि बोलते हैं अरे मेरा तुम्हारा गुल्लू. मुझे जो कॉल है वो एमए से आया था क्योंकि एमए की प्रोडक्शन थी. तो सब चीजें जो पेमेंट्स है वो एमए की तरफ से हुई थी. इनफैक्ट जॉन को भी एमए की तरफ से चेक्स मस्ट हैव कम. सो नेगोशिएशन एमए के साथ हुई थी. अच्छा जी जी जी. पर दिव्या जी बड़ी स्वीट है वो सीरियसली जवाब दे देती कि ऐसे हो रहा है. हम तो ऐसे मजाक में पूछ रहे थे. आप सबने देखा होगा ट्रेलर में सत्यमेव जयते 2 में जॉन जो है वो बंदे को बाइक समेत उठा के फेंक रहे हैं. तो एक हमारे दोस्त हैं पंजाब में उनका एक सवाल था कि क्या किसी महिला को सोफा समेत उठा के आप मर्डर एंगल रख सकते हैं. वो मतलब एक हमारे दोस्त है जॉन मेरे साथ कभी नहीं करेगा ऐसा. कभी नहीं करेगा. उनके भी बड़े पुराने रिलेशन है सिद्धू जी के साथ. कर भी सकते हैं हमारे साथ भी है. परमीत और मेरे साथ भी बहुत अच्छे रिले है ना. एब्सोल्युटली. वाओ. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.